नमस्कार, फटाफट फ्यूचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज का दिन काफ़ी बेहतर है और जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि कम से कम जो धुंध है वो झट चुकी है और ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल दोपहर होते होते एक तो जो करेंसी को लेकर थोड़ा बहुत मन में लोगों के डाउट था वो पूरी तरह से क्लियर हुआ। आज बैंक डिपॉजिट्स ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कल से एटीएम में नए नोट आ जाएंगे, इसको लेकर बाजार ने राहत की सांस ली है। और दूसरा, अमेरिका में जो चुनाव थे कांटे के टक्कर के बीच ट्रंप ने विक्ट्री ली, उसके बाद बाजार में जो असमंजस था दोनों चीज़ों को लेकर वह दूर हुआ। और यही मार्केट की खूबसूरती है कि जैसे ही अनसर्टेनिटी दूर होती है, चाहे वो अच्छी खबर हो या फिर बुरी खबर हो, मार्केट एक बार फिर से अपने आप को तैयार कर लेता है बढ़त के लिए, एक मजबूत रिकवरी के लिए, जो कल देर शार हमने आती हुई देखी है। क्योंकि ये बुल फेस का एक नेचर है कि जब जब कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी को पास करेगा उसके बाद बुल जो नेचर है मार्केट का वो वापस लौट आएगा, क्योंकि बुलिश फ्रेमवर्क में भी बाजार चल रहा है। यही बड़ी वजह है कि आप इंडेक्स में देखिए, शायद ही कोई ऐसा इंडेक्स आपको दिख जाए आपकी स्क्रीन पर जो 1.5% से ज़्यादा कम बढ़ा हुआ हो। सभी में 1.5% से ज़्यादा की मजबूती, सबसे ज़्यादा मजबूती आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में देख पा रहे हैं। और एक और हैरान करने वाला आंकड़ा वो है बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी आज का आंकड़ा देखिए, 3% से ज़्यादा की मजबूती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर सरकारी बैंक तेज उतार चढ़ाव के साथ कल जो रिकवरी दिखा रहे थे, आज उनमें स्ट्रांग बाइंग लौटते हुए दिखी है। ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स का स्ट्रक्चर डेरिवेटिव फ्रंट पे, टेक्निकल फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग है और 8-9% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये देश के कुछ चुनिंदा बैंक अभी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, SBI, इंडियन बैंक, OBC, कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी के अंदर आप सिर्फ आप परसेंटेज देखें, ये 10-10% तक की बढ़त है। और जो कल करेंसी को लेकर थोड़ा सा डाउट हुआ था, आज बैंकिंग ने उसको वेलकम नोट की तरह लिया, इंस्टीट्यूशनल उसको वेलकम की तरह देख रहे हैं और लोगों को भी कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है। बैंक पूरी सुविधाएं दे रहा है, सरकार की भी कोशिश है कि करेंसी की कमी ना हो और इस वजह से 3 दिन तक अगले बैंक खुले रहेंगे। जब भी आप बैंक में जमा करवाने के लिए जाएं पुरानी करेंसी को या फिर एक्सचेंज करने के लिए, अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को ले जाना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आज फेडरल बैंक में ब्लॉक डील भी हुई है, जो आपको ये 7% अभी शेयर दिख रहा है, 80 रुपये पे ब्लॉक डील हुई थी, अब तो खैर इसके भी ऊपर आ चुका है। आज के मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार व्यू ले लेते हैं ओवरऑल आज के बैंकिंग स्ट्रक्चर पे, निफ्टी पे, उसके बाद अलग अलग एक्सपर्ट से भी आपको निफ्टी का व्यू और स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे करना क्या है। आशीष अदानी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, आशीष शुक्रिया समय देने के लिए। आज अगर क्योंकि पोजीशन ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग ले चुके होंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं ली अभी पोजीशन, क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर अभी पोजीशन ली जा सकती है? नए टारगेट क्या होंगे मार्केट में? नहीं देखिए, अगर पोजीशन नहीं ली है तो मेरा कहना है कि थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेटअप, अगर आप मंथली चार्ट्स देखें निफ्टी के, बहुत समय बाद वो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, वीकली चार्ट्स पे भी थोड़े से वीक हो रहे हैं। दूसरी तरफ आज ये देखें, आज की जो बाइंग है वो इस वजह से भी बाइंग है कि जो कल शॉर्ट्स बने थे ट्रंप के जीतने के बाद, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना था, वो करेक्शन नहीं आया है, तो वो सारे शॉर्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने तेज़ी देखी है। मेरा यह मानना है निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है बट उसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं। आप पिछले अगर एक महीने का निफ्टी का पैटर्न देखें तो जब भी तेज़ी आती है तो वो सेलिंग कंटिन्यू होती है और सेलिंग उससे ज़्यादा फियर्स आती है। मुझे लगता है कि फिर से शायद सेलिंग इसमें कंटिन्यू होनी चाहिए, तो अगर 8620 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है वहाँ पे सेल करें, एक 8660 का स्टॉप लॉस रखें, 8510 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव है बट मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी कमजोरी निफ्टी में बिल्कुल आनी चाहिए। इस बीच टाटा ग्रुप को लेकर लगातार सबसे पहले खबरें जी बिजनेस आपके सामने रखता रहा, और अभी खबर जो आ रही है वो टाटा सन्स की तरफ से है। आपको सुबह हमने बताया कि टाटा केमिकल की आज बोर्ड की बैठक है, TCS के चेयरपर्सन पर से सारस मिस्त्री को हटा दिया गया है। 11 तारीख और 14 तारीख को टाटा मोटर्स और स्टील की भी बोर्ड की बैठक होने वाली है, लेकिन अभी की जो खबर एक और डेवलपमेंट है टाटा सन्स की तरफ से कि चेयरमैन बदलने के बाद उनको कई ईमेल्स और फोन आने लगे हैं। 4 साल में, ये उनका बयान है, 4 साल में मिस्त्री के कम फैसले जो है लागू हो पाए हैं और कंपनी में सुधार के लिए मिस्त्री के पास 4 साल का वक्त था। ये टाटा सन्स की क्लेरिफिकेशन आई है। डायरेक्टर्स को मूल रूप से टाटा सन्स के नतीजों की चिंता है जो भी कईयों के आने हैं, जैसे हमने कहा कि टाटा स्टील्स के भी रिजल्ट आने हैं, टाटा मोटर्स के रिजल्ट आने बाकी हैं जो कि 11 तारीख और 14 तारीख को होंगे, आज टाटा केमिकल्स के भी नतीजे होंगे, उनकी भी बोर्ड बैठक चल रही है, लेकिन ठीक उससे पहले आज TCS के
बोर्ड में ये फैसला किया कि साइरस मिस्त्री को चेयरपर्सन से हटाया जाएगा। हालांकि वो इंटीरियम चेयरपर्सन अभी रहेंगे जब तक इशात हुसैन, जो नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं, वो अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते। टाटा ग्रुप के अंदर एक और बड़ी खबर यहाँ पे आई है और इससे लगातार हम आपको अवगत करा रहे हैं। एक बार टेक्निकल व्यू ले लेते हैं क्योंकि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के टेक्निकल स्ट्रक्चर्स का कहते हैं, इनके रिजल्ट अभी आना बाकी है और टाटा केमिकल के आज ही आएंगे नतीजे। आशीष, तीनों का एक बार आप बताएंगे टेक्निकल स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और दूसरा टाटा केमिकल, जिसके नतीजे आने हैं। देखिए, टाटा स्टील की मैं सबसे पहले बात करूंगा, बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर है। आप देखें, जो डीमोनेटाइजेशन की न्यूज़ आई थी उसके पहले यही एक सेक्टर था जो बहुत स्ट्रांग था। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद भी काफ़ी मोमेंटम मिला था, तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग मोड में जा सकते हैं। ट्रेडर्स एक स्टॉप लॉस रखें 428 के आसपास का और पोजिशनल बेसिस पे 450 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अभी भी थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में मुझे लगता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था 4.5% की भी तेज़ी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई थी, थोड़ा करेक्शन भी आया था। तो जब तक 542 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज नहीं होता तब तक फ्रेश लॉन्ग क्रिएट करना मैं यहाँ से अवॉइड करना चाहूँगा टाटा मोटर्स में। टाटा केमिकल के आज रिजल्ट्स भी हैं, आपने भी रिट्रेड किया उनके रिजल्ट्स के बारे में, बट अगर टेक्निकल सेटअप हम देखें तो थोड़ा सा बियरिश टेक्निकल सेटअप है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर बाइंग में जाना चाहते हैं तो जब तक 517 के ऊपर ये क्लोज नहीं होता, जो ऑलमोस्ट 50 DMA के आसपास का इसका लेवल है, तब तक इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो बेटर है कि इसमें रिजल्ट्स आ जाएं, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में टाटा केमिकल में एंटर करना चाहिए। टाटा स्टील डेफिनेटली यहाँ पे भी लोग बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिट्ठी लिखी थी साइरस मिस्त्री ने, उसका जवाब ये टाटा सन्स की तरफ से है जो आपको मिला है। एक तो हमने आपको खबर बताई और दूसरा टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से आपको आशीष ने भी बता दिया कि किस शेयर में क्या करना है। आज सुबह ही हमने बातचीत की थी टाटा TCS के रिगार्डिंग, तो उसमें यह पता लगा कि जो साइरस मिस्त्री को समय दिया गया था 4 साल का, वो पर्याप्त समय था ऐसा टाटा सन्स का कहना है। तो उनकी कुछ खास बड़ा योगदान तो TCS में नहीं दिखा, ये उनके जवाब में आया है। UK सिन्हा, जो कि सभी चेयरपर्सन हैं, उनसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे कि टाटा ग्रुप के मामले पर वो नज़र रखे हुए हैं और आगे जो भी गतिविधियाँ होंगी उस पर मार्केट का रिएक्शन तो आएगा, लेकिन एजेंसीज को तैयार रहने के लिए कहा। आइए सुन लेते हैं इस पूरे टाटा के विवाद पे सभी चेयरपर्सन UK सिन्हा ने क्या कहा था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी और अ पर्टिकुलर ग्रुप, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टू परफॉर्म एंड दे हैव देयर लॉयल्टी एंड ऑब्लिगेशन टू ऑल द शेयर होल्डर्स, सो दे मस्ट टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। बिसाइड्स दे हैव टू फॉलो SEBI's रिक्वायरमेंट, SEBI गाइडलाइंस एंड कंपनी एक्ट गाइडलाइंस। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मुद्दे पर भी यहाँ पे कहा कि वो कंपनी के प्रति लॉयल रहते हैं और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के अंदर जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कुछ बोलते हैं। फिलहाल आज बोर्ड की ही बैठक में ये फैसला लिया गया था कि TCS के चेयरपर्सन के पास से साइरस मिस्त्री को हटाया जाए, इशात हुसैन होंगे। एक बार TCS का स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप, आशीष आपको ठीक लग रहा है क्या? थोड़ा से वीक हैं जितने भी IT स्टॉक्स हैं। अब स्पेशली देखें, जब से ट्रंप के जीतने के बाद और जो उनकी पॉलिसीज़ थी, कहीं ना कहीं ये कयास लगाई जा रही है कि शायद IT कंपनीज़ को थोड़ा सा नुकसान होगा H1B वीज़ा की अगर हम बात कर रहे हैं और जो आउटसोर्सिंग होता है। तो ओवरऑल वैसे भी आप इन्फोसिस भी देखें, TCS देखें, विप्रो देखें, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग पोजिशन तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक TCS 2175 के नीचे जाता है तो एक फ्रेश शॉर्ट डेफिनेटली बन सकता है इसमें। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा दबाव आए तो वापस TCS को तो शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में जो आपको रिकमेंडेशन मिल रही है आप उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें तो शायद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।